Assalamu alaikum, Dr. Zaik. wa alaikum Your name and My name is Yashma Asad and I am an actress. Ji okay. Um, I know the time is limited, but I really want to address your contribution um, in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism, back uh, in the days when I was doing my bachelor's. But uh, alhamdulillah, it was your videos and your lectures uh, that uh, brought me back to my religion and uh, brought my spirituality back to me and my faith back to me um, okay so the question is um, i uh, pardon me if i say anything wrong because uh, my knowledge is limited but at the time when i was doing my research and i came across your um, lectures there was everything else that i could understand but one question still remains which is that uh, this, this concept of predestination एंड देन देर इज दन कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींगी राइट तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है अगर सब कुछ प्रीडेस्टेंड uh, है तो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक uh, चोर कहीं पर चोरी करता है तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से <coughs> मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए बहुत मुश्किल है अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है लेकिन अल्लाह ताला काफ़ी लोग को हिदायत दे रहा है आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी उनका सवाल है कदर के बारे में अबाउट डेस्टिनी फ्री विल कि अगर अल्लाह सुबाना व मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊँगा और मैं शराब पीता हूँ तो कौन जिम्मेदार अल्लाह नौ तो ये सवाल बहुत कॉमन है लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए क्या कोई फतवा ना दे दे मुझे मैं काफिर हूं अल्लाह सुभान व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब के लिए इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 323 टाइम्स 323 बार कहा गया है कुल कालू इनोग ने कहा और 323 बार अल्लाह कहते कुल उनसे कहो यानी कुरान मस्जिद एक क्वेश्चन आंसर बुक है थ्री ट्वेंटी थ्री टाइम्स पूछा गया कि क्या सवाल है अल्लाह बोलता है कुल कहो कुल उनने पूछा अल्लाह कौन है कुल वल्ला तो ये कुल जो है सवाल करना कोई बुरी बात नहीं लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं या हमारे ईमान है तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूँगा मैं किसका कत्ल करूँगा और मैं कत्ल करता हूँ तो कौन जिम्मेदार अल्लाह नौ अगर लिखा है मेरे तकदीर में का मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता तो हूँ कौन ज़िम्मेदार अल्लाह नौ सफल इसका जवाब यह है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन पैंतीस साल पहले शुरू किया तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर पूछा नहीं मुझे अल्लाह की मदद है अल्लाह की मदद से जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं तो पहले चंद साल काफ़ी तहकीक़ की लेकिन जवाब कोई किताब में मिली नहीं जवाब मिला फिर मैंने उलमा से पूछा सही है तो उन्होंने बोले माशा अच्छा जवाब है और मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक टीचर क्लासरूम में सौ बच्चे को पढ़ा रही है एक साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा ये बच्चा फेल होएगा माफ़ करना आपको मिसाल बोल रहा हूं आपके लिए और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है ये बच्चा सेकेंड क्लास ये बच्चा फेल होता है मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रिडिका इसलिए मैं फेल हो गया क्या वो बोल सकता है ऐसा हाँ क्या नहीं? नहीं टीचर देखती थी क्या ये बच्चा स्टूडियस है बराबर होमवर्क करता है जहीन है ये बच्चा एवरेज है ये बच्चा हुकी खेलता था क्लास में भी नहीं आता था पिक्चर देखता था तो टीचर ने देख के प्रडिक की और टीचर अक्सर सही होती लेकिन है लेकिन इंसान है गलती भी हो सकती इसी तरीके से अल्लाह सुबहाना व वाली एक इंसान नहीं है अल्लाह के पास इलम गैब है अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीशन लेने वाले मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे वो चार में से एक सड़क को चुन सकता है नंबर एक सड़क नंबर दो सड़क नंबर तीन नंबर चार वो चुनता है नंबर दो सड़क चॉइस किसकी इंसान की हाँ क्या नहीं लेकिन अल्लाह सुबाना गैब है कि पांच तारीख को अक्टूबर के रात को एक बजे सवा एक बजे ये चौराहे पे आएगा उसके पास चार चॉइस थे सड़क नंबर एक सड़क नंबर दो सड़क नंबर तीन सड़क नंबर चार अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर दो चुनेगा तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान पांच अक्टूबर की रात को एक बजे सवा एक बजे सड़क नंबर दो पे चुनेगा तो सड़क नंबर दो किसने चुना अल्लाह ने या क्या इंसान ने अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना इंसान ने चुना तो कौन जिम्मेदार अल्लाह या इंसान इंसान वो आगे जाता है और तीन सड़क आते सड़क ए सड़क बी सड़क सी वो चुनता है सड़क ए अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ये चुनेगा लिख देता है कौन जिम्मेदार इंसान अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है वो चीटिंग करके कमाता है अल्लाह ताला लिख देते ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था ईमानदारी से कमाए चीटिंग करके कमाए वो चीटिंग करके कमाएंगा एडवांस में लिखते चुन रहा है कौन इंसान लेकिन अल्लाह ताला के पास इलम गैब है तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है अल्लाह जानते हैं अल्लाह एडवांस में लिखते तो कौन जिम्मेदार इंसान तो अल्लाह के पास इलम गैब है और अल्लाह सुबहाना वाले कभी गलती नहीं करते अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर सकते या ईमानदारी से आप ईमानदारी से करते अल्लाह तला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा तो कौन जिम्मेदार इंसान एक हदीस में आता है दुआ तकदीर को बदल सकती है सही बात है मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूं आप घर पे आके दुआ करते या अल्लाह मुझे पास कर अल्लाह सुबह को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले हैं ये तारीख को आप फेल हुई अल्लाह को यह भी पता है कि आप घर पर आके दुआ करेंगे हाँ क्या अल्लाह को यह भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे नहीं अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है फेल होने वाली थी घर पे आके दुआ करते अल्लाह ताला गुआ कबूल कर लेता उसे पास कर लेता तो हमें पता नहीं कि क्या होगा तो दुआ करना अच्छी बात है इसीलिए अल्लाह इकबाल फरमाते खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है तो तकदीर का मतलब अल्लाह व वाली ने आपको इख्तियार दिया है सौ फीसद नहीं नाइन्टी फाइव परसेंट नाइन्टी मैं चाहता हूँ मैं दुनिया को तबाह कर दू अल्लाह नहीं करेगा लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है आपके ऊपर फ्री विल है लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इम गैब है तो जो भी गलत काम करते हैं, आप करते हैं अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इन आप कुरान मजीद की जो तालीमात पे अमल करेंगे और इन आप जन्नत में जाएंगे